कभी भी कोई बंधन जबरदस्ती से नहीं बनता, कभी भी कोई बंधन को जबरदस्ती से बांध कर नहीं रखा जा सकता। बंधन तो ऐसा होता है जिसको बिना बांधे ही वो बंधन कहलाता है। खुला छोड़ने के नाम बंधन होता है। कभी भी किसी इंसान को, कभी भी किसी रिश्ते को अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहुत नज़दीकियां हैं, तुम बहुत प्यार करते हो, तुम बहुत अपना मानते हो, तो खुला छोड़ दो। जब तुम खुला छोड़ दोगे और उसको जाने दोगे, उसको जाने दो, उसको अपनी उड़ान भरने दो। और एक बात याद रखना, जब वो अपनी उड़ान भर लेगा और वो तुम्हारा होगा तो वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा। ये बात मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि जब किसी रिश्ते में तुम आते हो तो उस रिश्ते को हमेशा खुला रखो, खुला छोड़ कर देखो, उसको जाने दो। और जब वो तुम्हारे पास अगर वापस लौट कर आ गया तो वो तुम्हारा अपना है। और अगर वो तुम्हारे पास लौट कर नहीं आया तो जो तुम्हारा है नहीं उसका अफसोस क्या करना। और इसके अलावा जब तुम्हारे लिए कोई बना ही नहीं है तो फिर वो तुम्हारे पास आएगा भी नहीं। और इसीलिए ज़बरदस्ती बंधन में बांध कर मत रखो। और मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि जो तुम्हारा अपना होगा, जो तुम्हारे लिए बना होगा, जो तुम्हारे अपने होंगे, दोस्त भी, रिश्तेदार भी और प्यार भी, हर रिश्ता जो तुम्हारे लिए बना होगा उसको मैं तुम तक भेज ही दूँगा, चाहे मैं किस तरीके से भेजूँ, और उसको तुमसे दूर, तुमसे अलग कहीं जाने ही नहीं दूँगा। हमेशा उसको तुम्हारे आसपास रखूँगा। और इसलिए मुझ पर भरोसा करो, भरोसा करो कि तुम्हारा ये बाबा तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचेगा, तुम्हारा कुछ गलत भी नहीं करेगा। तुम्हारे लिए जो बेहतर होगा, तुम्हारे लिए जो सर्वोत्तम होगा, वही तुम्हारे पास लेकर आएगा, यकीन मानो। और इसलिए मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी परेशानियाँ सिर्फ मेरी हैं। अपनी हर परेशानी को मुझ पर दे दो। जब कभी परेशानी आए तो मुझे बोल दो कि बाबा अब ये देख लो, और उसके बाद तुम निश्चिंत हो जाओ, निस्फिक्र हो जाओ और अपने काम में लगे रहो। मैं बार बार तुमसे कहता हूँ, मुझे कर्मवाद बहुत पसंद है। मुझे पसंद है कि जब तुम अपनी काम में तल्लीन रहते हो, जब तुम अपने काम में मग्न रहते हो, तुम्हारे दिल, तुम्हारे दिमाग में कभी कोई फालतू ख्याल नहीं आता। मैं इस चीज़ को लेकर अच्छा लगता है मुझे। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जब कभी कुछ ऐसा लगे कि जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तो मुझे बोल दो और बेफिक्र हो जाओ। बेफिक्र हो जाओ अपनी बेफिक्री में, क्योंकि बाकी सब तो मैं देखता हूँ। और जब मैं देखता हूँ तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, जब कभी समय लगे, जैसे भी समय लगे, मंदिर ज़रूर आया करो। मंदिर में बैठ के सुकून से मेरा ध्यान करो, मेरा ध्यान करो, और जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करो। मैं भी प्रसन्न होऊंगा और तुम्हारा मन भी प्रसन्न होगा। तो समझे मैं तुम्हें क्यों बुला रहा हूँ। अनुभव तो तुम बहुत ले चुके हो, अब मंदिर आना ज़रूर। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।